सोशल मीडिया पर कर दूंगा बदनाम, विधायक शिंदे के घर से पहले 30 लाख चुराए, फिर ड्राइवर ने फोन पर मांगी फिरौती। मुंबई पुलिस ने पीए की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चोरी और फिरौती मांगने की ये घटना 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। महाराष्ट्र में नांदेड़ से विधायक श्याम सुंदर शिंदे के मुंबई स्थित घर से चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि विधायक के घर 30 लाख रुपए की चोरी हुई। ये चोरी का आरोप विधायक के ही ड्राइवर पर लगा है। विधायक के पीए ने शिकायत में कहा है कि ड्राइवर ने ही 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये घटना मुंबई के लोढ़ा बेलसिमो सोसाइटी में हुई, लेकिन चोर इतने पर ही नहीं रुके। आरोप है कि आरोपियों ने विधायक श्याम सुंदर को फोन करके 30 लाख की फिरौती भी मांगी। नांदेड़ विधायक श्याम सुंदर शिंदे के आवास में 30 लाख रुपए की चोरी हुई। ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी करने के बाद विधायक श्याम सुंदर शिंदे से फिरौती की भी मांग की। आरोपी ने विधायक से कहा कि अगर उसे 1 जून तक पैसे नहीं मिले तो वो रायगढ़ जाकर खुद को नुकसान पहुंचाएगा और इसके लिए विधायक को बदनाम करेगा। विधायक की बदनामी सोशल मीडिया पर करेगा। इस मामले में विधायक शिंदे के निजी सहायक पीए ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने पीए की शिकायत के आधार पर ड्राइवर चक्रधर पंडित मोरे और उसके साथी अभिजीत कदम के खिलाफ NM जोशी मार्ग थाने में केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरी और फिरौती मांगने की यह घटना 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच नांदेड़ विधायक श्याम सुंदर शिंदे के साथ हुई। हालांकि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर नहीं है।